गाइस अमारा हो गई है पूरे 5 महीने की, और जैसे जैसे अमारा बड़ी हो गई है उसकी मम्मी का वेट बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। आप देख सकते हो कहाँ गया इतना बड़ा सफीद चुपा करता था। प्रेगनेंसी के दौरान मैं काफी मोटी थी, डिलीवरी के बाद तक भी मम्मा काफी मोटी थी। रेमेडी फॉलो की और उन सारी रेमेडीज ने मम्मा को पतला कर दिया। बताते सबको। गाइस आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे वेट लॉस टिप्स। वैसे मैं कम्प्लीटली ब्रेस्ट फीडिंग मदर रही हूँ, मतलब बाहर का दूध मैंने अवॉइड ही किया है, कभी कभार मजबूरी में देना पड़ा, अदरवाइज अपना दूध पिलाया। सो माए जब अपना दूध पिलाती है तो वेट लॉस वैसे भी होता है। So guys, अगर आपने अभी तक हमारा को फॉलो नहीं किया है हमारे की इंस्टा आईडी पे हमारा sharma.2022 जरूर फॉलो करना। हमारा की बहुत सारी क्यूट फोटोज वहां हम अपलोड करते हैं। हेलो हमारा, हमारा जब कोई वीडियो पे शूट करते हैं हमारा बहुत एक्साइटेड हो जाती है। वैसे मेरा वेट लॉस तो हुआ ही है, इसके टिप्स मैं तो शेयर करूंगी आपके साथ, लेकिन मैं सोच रही हूँ स्किन केयर भी आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि मेरे बहुत टफ टाइम था जब मैं अपना स्किन केयर कर ही नहीं पा रही थी बीच में, तो स्किन डिलीवरी के बाद थोड़ी सी मुरझा जाती है, और जब आप पूरा वेट लॉस के लिए कुछ ट्रिक्स फॉलो कर रहे होते हो तो थोड़ा ग्लो चला जाता है, तो वो ग्लो मेरे स्किन में बना रहे इसके लिए मैं DIY उबटन हमेशा से लगाती आई हूँ। पहले मैं बहुत ज्यादा DIY करके बहुत तरह तरह की दालें पीस करके लगाती थी, अभी टाइम नहीं मिल पाता है, मैं सीधा पैकेट उठाती हूँ उसके अंदर पानी डालती हूँ, लेप बनाती हूँ, अपने मुंह पे लगा लेती हूँ, बहुत आसान तरीका है। सो मैंने रेडीमेड उबटन यूज किया, मुझे काफी अच्छा लगा, सो मैं रेकमेंड करती हूँ आप लोग भी ट्राई कर लेना, वेट लॉस के साथ स्किन केयर भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आज भी मैंने ये वाला उबटन यूज किया है, दिस इज फ्रॉम एल्स गुडनेस, बहुत ही अच्छा उबटन है यार। इसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे की 100% प्योर है, पैराबेन केमिकल्स नहीं है, और सिर्फ ये और वाटर, दैट्स इट, आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स फॉर माय स्किन नाउ। सो मैं एल्स गुडनेस का उबटन लेती हूँ सिर्फ 1 चम्मच, और उसके अंदर 1 चम्मच पानी डाल दो एंड उसको अच्छे से मिक्स कर, चेहरे के ऊपर लगाओ 15-20 मिनट के लिए, ऐसी छोड़ दो एंड देन फेस वॉश कर लो, दैट्स इट। चेहरे में ग्लो देखते ही बनता है, बहुत ही अच्छा वर्क करता है। टैनिंग अगर आपके चेहरे पे है, डार्क स्पॉट्स है, अगर ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स है, आपके चेहरे का ग्लो चला गया है, ड्राई डल स्किन हो गई है, ये उबटन यूज करो। सिर्फ फेस पे ही नहीं, आप ऑल ओवर बॉडी पे भी यूज कर सकते हो। आइंदा से नहाने के लिए साबुन को स्किप करो और उबटन यूज करो एल्स गुडनेस का, बहुत अच्छा वर्क करता है, मेरे कहने पे एक बार जरूर ट्राई करना। उबटन यूज करने का ना बहुत सारे एडेड बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि अगर आपके स्किन के ऊपर एक्ने है तब आप उसको यूज करना चाहिए, प्रिवेंट करता है एक्ने के आने से, आपके पोर्स को टाइटन करता है, आपकी स्किन को फॉर्म बनाता है, यूथफुल लुक देता है, 100% प्योर, नेचुरल, केमिकल फ्री, पेस्टिसाइड फ्री, प्रिजर्वेटिव फ्री, और कोई भी एनिमल टेस्टिंग नहीं है। अगर 2 बार जरूर लगाना पूरे फेस और बॉडी के ऊपर, ठीक है, शादी आ रही है बहुत सारी, तो शादी के टाइम अगर आप वेट लॉस का सोच रहे हो तो स्किन केयर का कौन सोचेगा, वो भी तो आपको सोचना पड़ेगा, तो ये जरूर ट्राई कीजिएगा, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एक बात और, विंटर्स आ रहे हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, तो ये जब उबटन बनाओगे ना तो आप जरा सा इसके अंदर ना ऑयल भी डाल देना, कोकोनट ऑयल स्पेशली, या फिर जो भी ऑयल आपको अच्छा लगे वो ऑयल इसके अंदर मिक्स करना एंड देन लगाना, स्किन सुपर 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 सिल्की सॉफ्ट हो जाती है इसको यूज करने के बाद। पहले अभी हमारा को मैं सुला दूं क्योंकि ये शूट नहीं करने देगी, तो मैं हमारा को सुलाती हूँ और फिर आपके साथ डिस्कस करूंगी वेट लॉस टिप्स जो जो मैंने फॉलो किए। बाय गाइस। हे गाइस, वेलकम बैक। सो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैं इतनी जल्दी इतनी पतली कैसे हो गई, सो मैंने क्या ट्रिक्स, क्या हैक्स फॉलो किए, उससे रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है। आज से लगभग 3-4 महीने पहले मेरा वजन था 85 kg और अभी मेरा वजन है 60 kg। ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन है ये, और आई एम रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड टू शेयर माई स्टोरी कैसे क्या करके मैं इतनी जल्दी पतली हो गई। पहले डिस्क्लेमर देती हूँ, कोई चीज मैंने ऐसा नहीं है कि कोई सप्लीमेंट खा लिया, कोई दवाई खा ली, या कुछ ऐसा मैजिकल ट्राई किया, नहीं, सब नेचुरली किया है मैंने और कुछ टिप्स फॉलो किए हैं। अगर आप चाहो तो ये टिप्स फॉलो कर सकते हो, बट मैंने जो किया, जो मुझ पे वर्क किया, वो बस एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। वीडियो को एंड तक देखोगे तो शायद कुछ हेल्पफुल चीज लेके जाओ जो आपके बढ़ते हुए वजन को कम करने में आपकी मदद कर सके। बट उससे पहले मैं एक बात बोल दूं, आप मोटे हो पतले हो जिस भी बॉडी के शेप में हो फर्क नहीं पड़ता है, डजंट मैटर, जब तक वो आपकी हेल्थ को इफेक्ट करता है। अगर आपको लगता है कि आपके वजन बढ़ने या घटने की वजह से आप हेल्दी नहीं हो, हेल्दी फील नहीं कर रहे हो, या आप अपने डे टू डे काम करने में दिक्कत आ रही है आपको, सो आप ये सारे टिप्स फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज लव योर बॉडी द वे यू आर, अपने आप को बॉडी शेम करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्फिडेंस आपकी आंखों में होना चाहिए, प्यार आपको खुद से होना चाहिए, बाकी दुनिया जाए फाड़ में।
ठीक है. तो चलो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. तो जब मैं प्रेग्नेंट थी ना तो मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, मेरा पेट काफी ज्यादा ह्यूज लगता था मुझे. कई लोग भी देखते थे कि कुछ ज्यादा ही पेट निकला हुआ है, क्योंकि मेरी बेबी थोड़ी हेल्दी थी, उसका भी वजन काफी अच्छा खासा था, रेगुलर बच्चों से थोड़ा ज्यादा वो हैवी वेट में थी और इसलिए पेट भी निकला हुआ था और मैं भी हेल्दी हुई थी पूरी तरीके से. मैं आपको फोटोज भी दिखाऊंगी मेरी प्रेगनेंसी का, जब मेरा वेट 85 kg का था. तो जब मेरी डिलीवरी हुई, या किसी भी औरत की जब भी डिलीवरी होती है ना, थोड़ा वजन तो कम हो जाता है, बेबी का वेट निकल गया. तो जो भी आपका बेबी का वेट 3-4 किलो होता है वो निकल जाता है. मेरी बेबी का वेट था काफी अच्छा, लेकिन उसके बाद भी पेट अंदर नहीं जाता है. ऐसा नहीं होता है कि आपकी डिलीवरी हो गई और जो बड़ा 9 महीने का पेट निकला है वो अंदर चला जाए. मुझे काफी ज्यादा लोग बोलते थे कि डिलीवरी हो गई अभी भी आप प्रेग्नेंट लगते हो, अभी भी आप 9 महीने प्रेग्नेंट लगते हो, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी पेट इतना ज्यादा निकला हुआ था कि बेबी के निकलने के बाद भी पेट काफी ज्यादा फूला हुआ था. अब मुझे था कि अब इसको कम कैसे करें. अभी तो मेरा सी सेक्शन डिलीवरी हुआ था, मैं कोई हैवी एक्सरसाइज वगैरह या कोई भी सप्लीमेंट खा लो कुछ भी नहीं खा सकते यार, क्योंकि दूध बनता है और दूध में वो चीज चली गई तो फिर उसका डर लगा रहता है. तो मैं कुछ ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहती थी. तो मैंने जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैं हेल्दी फूड ही खाती थी, जंक फूड कभी कभार हुआ, मूड क्रेविंग वगैरह हुई तो मैंने खा लिया, अदरवाइज नहीं खाती थी. डिलीवरी के बाद मैंने एकदम ठान लिया कि मुझे कोई भी फालतू का खाना नहीं खाना है, मुझे जंक फूड नहीं खाना है, जैसे पिज्जा, बर्गर, पास्ता, मैदा वाली चीजें या डीप फ्राइड चीजें, पकौड़े, समोसे, ये मुझे नहीं खाना है. और मैंने दिल पे पत्थर रख करके शायद ही एक आध बार कभी खाया होगा, मैंने नहीं खाया, अदरवाइज मैंने बिल्कुल भी जंक फूड नहीं खाया. मैंने पूरा फोकस किया बैलेंस्ड डाइट में खाऊं, ठीक है. मेरी जो थाली की प्लेट होती है उसके अंदर दालें, भिन्न भिन्न प्रकार की दालें और भिन्न प्रकार के ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हुआ करते हैं. थे नहीं बोलूंगी, अभी भी मैं वही फॉलो कर रही हूँ. मतलब कभी कुछ पीने का मन किया तो लोग कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, मैंने नहीं पिया. मैं वैसे कोल्ड ड्रिंक पीती नहीं हूँ, आई जस्ट डोंट लाइक, क्योंकि मैंने कहीं तो पढ़ लिया था कि मैगजीन या न्यूज़पेपर में काफी टाइम पहले कि उसके अंदर स्लो पॉइजन होता है कोल्ड ड्रिंक के अंदर, और मेरे मन में ऐसा घर कर गया कि मैं तो भाई कोल्ड ड्रिंक नहीं ही पीती हूँ. सो जब मुझे भूख लगती है ना तो मैं कोशिश करती हूँ मैं पी करके थोड़ी सी भूख वो बुझा दूँ, वो स्नैक्स वाली जो भूख लगती है. तो उसमें मैं क्या कर लेती हूँ, कोकोनट वाटर हो गया, रायता, बटर मिल्क, लस्सी, छाछ, सब दही से ही बने हुए हैं, अनार का जूस या मिक्स फ्रूट जूस, ऐसे करके जूसेस वगैरह मैं पी लेती हूँ. और जूसेस वो वाले जूसेस नहीं, पैकेट में पैक्ड फ्रूट जूसेस आते हैं वो नहीं, क्योंकि पैक्ड चीज जो भी होती है ना यार उसके कहीं अंदर कहीं ना कहीं प्रिजर्वेटिव तो होते ही है ना, और एडेड शुगर भी हिडन होते ही है और वो चीजें अच्छी नहीं होती है. तो पैक्ड वाले जूस भी मैं पीना प्रेफर नहीं करती हूँ, घर में ही जूस बनाओ और वही पियो. बाहर मार्केट से भी जूस ले सकते हैं, पर मेरे को है कि मैं घर में बनाऊं और पीऊं. जो भी खाना मेरे पेट के अंदर जाता है वो घर का ही खाना होता है. कभी बाहर गए हैं आउटिंग पे हैं और वहां घर का खाना अवेलेबल नहीं है तो मैं बाहर का खाना खा लेती हूँ, पर ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है, कि थोड़ी भूख मर जाए, बस इतना ही खाना, इतना ही खाती हूँ कि भूख मर जाए. इतनी भूख लगी है तो इतना खाऊंगी, कहते हैं ना पूरा भरपेट भी खाना नहीं खाना चाहिए, खाना को पचने की भी जगह छोड़नी चाहिए. मैं इन सब चीजों को बड़ा फॉलो करती हूँ. दिन में 3 टाइम खाती हूँ, जो ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी कर लिया, लंच भी हैवी रहता है, डिनर तो एकदम लाइट रहता है मेरा, और स्नैक्स में चाय बिस्किट कभी कभार ले लिया. इसके अलावा मैं कोई भी चीनी वीनी नहीं लेती, चाय भी मैं इतना कप ले रही हूँ, फुल कप में चाय नहीं ले रही हूँ. तो ये सब किया मैंने. जैसा कि मैंने बताया, ऐसा नहीं होता है कि बेबी होते ही पेट अंदर जाता है, पेट अभी भी आपका फूला रहता है और उस फूले हुए पेट के अंदर हवा सी रहती है, ऐसा फील होता है हवा है, ऐसे ऐसे धम धम सा होता है. मेरी डॉक्टर ने बोला वो पेट धीरे धीरे जाता है, 3-4 महीने के अंदर वो पेट अपने आप अंदर चला जाता है, जो एक्स्ट्रा बाहर निकला होता है. तो सो मेरा जो एक्स्ट्रा बाहर निकल गया था वो भी अपने आप अंदर जाता गया. सो देयर वाज अ डिफरेंस, जब मेरी डिलीवरी हुई तब मेरा पेट फिर भी निकला था, डिलीवरी के 3-4 महीने बाद अपने आप भी कुछ पेट अंदर गया, और कुछ मैंने अपने खान पान का ध्यान रखा उसकी वजह से भी पेट मेरा अंदर काफी हद तक गया. अब इस बीच में एक चीज और करती थी, जीरा वाटर, आपने सुना होगा, जीरे को लो पानी में उबालो, छानो और वो पानी पी लो गर्मा गर्म, ठीक है, दिन भर पानी को छोड़ो और जीरा पानी ही मैंने पिया. जीरा पानी बहुत इफेक्टिव होता है, ये तो मैंने देख ही लिया है वेट लॉस के लिए. यार हम लोग ना चाहते हैं वजन कम हो जाए, इसके लिए हमें जिम नहीं करना है, एक्सरसाइज नहीं करनी है, योगा नहीं करना, घर बैठे बैठे DIY हैक्स फॉलो कर लो, पतले जो हम सब ये चाहते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट मेरा सी सेक्शन हो रखा था तो मैं जिम विम का ही कर पाती. तो जीरा वाटर मैंने पिया, मैंने कोई जिम नहीं की, मैंने कोई हैवी वर्कआउट नहीं किया, एक्सरसाइज भी नहीं की, मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की है. बट हाँ मैं वॉक करती हूँ, 20 से 30 मिनट तक मैं वॉक करती हूँ. कभी बाहर जाने को नहीं मिला तो घर के अंदर ही वॉक कर लिया, लिविंग रूम से बेडरूम, बेडरूम से लिविंग रूम, चक्कर काट लिया इधर उधर उधर. कभी भी होता ना काम इतना होता है या आलस इतना होता है कि घर से बाहर जाने का मन नहीं होता, घर के अंदर भी वॉक कर सकते हैं यार, ऐसा ना सोचा करो महिलाएं बाहर नहीं जाती हैं वॉक करने के लिए, तो आप घर पे भी वॉक कर सकते हो. मैंने किया, मैंने तो अपने व्लॉग्स में भी आपके साथ शेयर किया है कि मैं घर में भी वॉक कर लेती हूँ अगर मुझे पार्क नहीं जाने का मन. तो
ये सारी चीजें मैंने फॉलो की और धीरे 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 करते करते वेट इतना लॉस हुआ। एक और मैजिकल ड्रिंक है, वो मैं आपको एंड तक बता ही दूंगी, बट ये चीज होने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि रातों रात आप पतले हो सकते हो, रातों रात कभी भी कोई भी पतला नहीं हो सकता है, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। बाकी आप मेरी पिक्चर्स और फोटोज देख सकते हो कि पहले जब 85 केजी की थी तब मेरा वेट कितना ज्यादा था, साथ में बच्चा भी था पेट में, और अब डिलीवरी के बाद मैं हैरान हूँ इतनी पतली कैसे हुई। और आप लोग भी कमेंट करो दीदी आपकी वीडियो पुरानी है ना, आप इतने पतले लग रहे हो, पतले लग रहे हैं। ये भी रीसेंट की जो वीडियोस नहीं है, आप लोग कह रहे हो पुरानी है, पुरानी नहीं है, मतलब रीसेंट की ही वीडियोस है, एक आध महीने की ही वीडियोस है, अभी ही मैं शूट कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि अभी शूट किया तो अभी डाल दिया, कुछ टाइम लगता है वीडियो को एडिट होके जाने में, अपलोड होने में, बट वो पुरानी वीडियोस नहीं है गाइस, मैं सच में पतली हो चुकी हूँ। मैं आपको फुल फोटो अभी करंट की भी दिखाऊंगी दोबारा से। अच्छा थोड़े से और टिप्स मैं आपको दे देती हूँ। आप एक काम करो, जब भी आप खाना खाओ ना, कोशिश करो कि आप टेक्नोलॉजी से डिस्कनेक्टेड रहो, मतलब टीवी या मोबाइल देख करके ना खाओ। हम टीवी मोबाइल देख के खाते हैं ना, पता ही चलता हम ज्यादा खा लेते हैं। तो आप सिर्फ खाने पे फोकस करो, और कहते ना खाने को 32 बार चबाओ, जितना ज्यादा चबाओगे उतना ज्यादा सही रहेगा, पेट को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी डाइजेशन के लिए, अपने आप खाना पचेगा आपका। और घर के अंदर जितने भी जंक फूड है ना, उसको अपनी नजरों से दूर कर दो, बस अपनी नजरों के सामने मत रखो, नजरों में आएगा ना वो खाना जंक फूड, मन करेगा अरे यार मैं खा लेती, चाहे चिप्स बिस्किट नमकीन मिठाई, ये सब अपनी नजरों से बस दूर रखो, ऐसी जगह पे रखो जहां जाने में आपको मेहनत करनी पड़े, तो आपका मन नहीं करेगा उतनी मेहनत करने का, फिर सोचोगे कोई नहीं पानी पियो और ऐसे ही सो जाओ, वो बेटर है। जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना ही सही रहेगा, कम से कम 3-4 लीटर पानी तो पी जाओ यार, पानी जितना पियोगे स्किन हेयर ग्लो करेगा, प्लस आपका वेट भी सही मेंटेन होकर के रहेगा, अननेसेसरी भूख नहीं लगेगी, फाइबर रिच फूड वो खाओगे पेट भी भरेगा, पेट को लगेगा भी, और जंक नहीं खाओगे फिर आप। अब एक लास्ट ड्रिंक आपको बताती हूँ, आप चाहो तो ये ट्राई कर सकते हो, नहीं तो जीरा वाटर से भी काफी मदद मिलती है वेट लॉस करने के लिए, ये वाली ड्रिंक भी आप ट्राई कर सकते हो। आपको एक छोटा सा अदरक लेना है, उसको अच्छी तरीके से कूट दीजिए, पानी में उबाल दीजिए, छान लीजिए, आप चाहो तो टेस्ट के लिए थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाल सकते हो उसके अंदर, नींबू निचोड़ लो, दैट्स इट, मिक्स करो पी लो, ल्यूक वार्म जब हो जाएगा ना तो उसको पियो, रोज दिन में एक बार जरूर उसको पियो। अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हो तो आई एम श्योर बिना जिम और बिना एक्सरसाइज बिना योगा, योगा करो तो अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, पर अगर नहीं कर पाओगे तो अभी क्या ही कर सकते हैं, हम लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी रहते हैं ना, हेल्थ को भूल जाते हैं, खाने पे तो कंट्रोल कर ही सकते हो ना। अभी देखो ये सब मैंने किया, मेरी बॉडी ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया, हर किसी की बॉडी तो अलग ही होती है, तो मेरा तो 25 किलो वजन कम हुआ ऑलमोस्ट। आपका जरूरी नहीं कि 25 किलो कम हो, आपका इससे भी 10 किलो कम हो जाए, 5 किलो कम हो जाए, या कम ना भी हो, उसकी गारंटी तो मैं नहीं लेती हूँ, वो तो डिसाइड करता है कि कितनी शिद्दत से आप ये सारे हैक्स को फॉलो करते हो, आपकी बॉडी इन सब चीजों को कैसे रिस्पॉन्ड करती है, ये सब चीजें डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा है और रिजल्ट आपकी नजरों के सामने है। अभी तक आप 3-4 महीने पहले मुझे देख रहे थे मैं कितनी ज्यादा फूली हुई थी हर जगह से, वो था ना अदरक बनते जा रहे हो, मैं वही बन रही थी, लेकिन अभी धीरे धीरे शेप में आ रही हूँ, एंड होपफुली आगे जाके और भी ज्यादा मैं फिट हो जाऊँ। जब हम फिट रहते हैं हेल्दी रहते हैं तो हेल्थ वाइज यू फील गुड। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय गाइस।